हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि गाउस लॉ क्या होता है, और गाउस लॉ के हमने अलग अलग फॉर्म डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था कि उसको यदि हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, और हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी इसके पहले वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे गाउस लॉ के ऊपर और फ्लक्स के ऊपर, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, फाइंड आउट द फ्लक्स क्रॉसिंग फ्रॉम अ क्यूब एज शोन इन फिगर, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई फोर एक्स जेड आई कैप माइनस जे वाई स्क्वायर प्लस के कैप वाई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है क्यूब का, और जो क्यूब की सभी साइड्स हैं वो कितनी है, 1,1,1 है, यानी कि x भी 1, y भी 1 और z भी क्या है, 1 है। देखो, इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, यानी कि हम इसको इंटीग्रल फॉर्म से भी कर सकते हैं और डिफरेंशियल फॉर्म से भी कर सकते हैं, और मैं आपको दोनों ही मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है या आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। ठीक है, इसी के जैसे कुछ क्वेश्चंस और लेंगे हम जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा आपको कि आपको अगर पर्टिकुलर किस तरह के क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन आए तो उसके लिए किस तरह के फार्मूला आपको यूज़ करना है, यानी कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास दो मेथड है, एक मेथड है हमारे पास इंटीग्रल मेथड और एक मेथड है हमारे पास कौन सा, डिफरेंशियल मेथड। तो इंटीग्रल मेथड जो है फाई का, वो क्या है एस, और वो क्या है ई डॉट डी एस, और एक मेथड है डिफरेंशियल मेथड, वो क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए होगा और डाइवर्जेंस ई और डी टाउ। ये कौन सा है, ये है इंटीग्रल, इंटीग्रल मेथड, और ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड होगा, डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड होगा, डिफरेंशियल मेथड। दोनों ही जो फॉर्मूला है उसमें यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पहचाना जाता है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, यदि ये जो फील्ड है वो पोजिशन कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट्स। तो पोजिशन कोऑर्डिनेट्स से जो इंडिपेंडेंट होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, पोजिशन कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि कार्टेशियन के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक्स वाई जेड, अगर मैं स्फेरिकल के लिए बात करूँ तो वहाँ क्या आएगा, आर थीटा और फाई, और अगर मैं सिलेंड्रिकल की बात करूँ तो वहाँ क्या आएगा, फाई एस फाई और जेड, वहाँ क्या आएगा एस फाई और जेड। ये किसके लिए हो जाएंगे, सिलेंड्रिकल के लिए, ये किसके, स्फेरिकल, और ये कार्टेशियन। यहाँ पर कौन से दिए हुए हैं, कार्टेशियन, और कार्टेशियन से दिए हुए हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा पोजीशन कोऑर्डिनेट्स से, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, जो डिपेंड करेगा पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पर। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ये डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर एक्स जेड लिखा हुआ है, यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ वाई लिखा हुआ है, तो ये सीधा सा मतलब ये डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब हम सबसे पहले तो किस मेथड से सॉल्व करें इसको, इंटीग्रल मेथड से, और उसके बाद हम इस किस मेथड से सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल मेथड से। तो इंटीग्रल मेथड से सॉल्व करें तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिएगा, एरिया। तो एरिया जो ये क्यूब है इसके कुल कितने एरिया बनेंगे, देखो एक तो बनेगा ये एक, एक बनेगा दो, ये बनेगा तीन, चार, पाँच और छः, कुल कितने एरिया बनेंगे, छः एरिया बनेंगे। और एरिया की हमें क्या चाहिएगी, डायरेक्शन चाहिएगी, यानी कि हमें एरिया वेक्टर चाहिएगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो भी आपका एरिया बन रहा होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलता हुआ, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किधर की तरफ निकलता हुआ, बाहर की तरफ निकलता हुआ, वो किसकी डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला एरिया कंसिडर करता हूँ एक, ये वाला, तो ये एरिया किन दो डायमेंशन से मिलकर बन रहा है, ये तो हो गया dx और ये हो जाएगा क्या dz, ये हो जाएगा क्या dx और ये वाला हो जाएगा क्या dz। तो dx और dz, और फिर मैं कह रहा हूँ जो इसकी डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलती हुई, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलती हुई यानी कि वाई, और वाई मतलब जे के। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे।
तो हमारे पास छह एरिया बन जाएंगे, एक हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले हम इन एरियाज़ की वैल्यू निकाल लें जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो फाई है, अगर मैं मेथड ले रहा हूँ पहले कौन सा, इंटीग्रल मेथड, तो इंटीग्रल मेथड अगर मैं लूँ तो उस इंटीग्रल मेथड के अकॉर्डिंग जो फाई है वो बराबर होगा 1 E.ds1, फिर फाई E.ds2, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आएगा यहाँ पर, है ना, ये हो गया 2, फिर ये 3 E.ds3, फिर ये 4 E.ds4, फिर ये 5 E.ds5, और फिर ये 6, ये क्या आ जाएगा E.ds6। अब हमें इन एरियाज़ की वैल्यू निकालनी है, तो एरियाज़ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले DS1 की बात करूँ तो DS1 मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और ये किन दो डायमेंशन से मिलकर बनाए, कौन से प्लेन में है, एक्स में और जेड में, तो ये हो जाएगा DX DZ। डायरेक्शन किधर की तरफ जाएगी इसकी, वाई की तरफ। अब यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, लिमिटिंग वैल्यू मतलब इस पॉइंट की लोकेशन, इस पॉइंट की लोकेशन, इस पॉइंट की लोकेशन, इस पॉइंट की लोकेशन, इस पोजीशन ओरिजिन से कहाँ पर है, ये एक डिस्टेंस पर है, तो यानी कि वाई बराबर एक पर एरिया जो निकलेगा कितना निकलेगा DX DY, और डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, पॉजिटिव वाई की तरफ, यानी कि जे के में। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा मैं DX DZ, और जे कैप, और लिमिट इसकी क्या लग गई, इसकी लिमिट लग गई y = 1, ठीक है, लिमिट क्या लग गई y = 1, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, 2 की, तो एरिया नंबर जो 2 है वो 2 कहाँ है, देखो इस डायग्राम के अंदर 2 कहाँ है, या नीचे, तो ये जस्ट इसके नीचे है, यानी कि एरिया तो वही रहेगा DX और DZ, ठीक है, पर इसकी जब डायरेक्शन निकालोगे तो पॉइंटिंग आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलता हुआ, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव वाई में, नेगेटिव वाई मतलब माइनस जे कैप, और यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू होगी कहाँ पर है, ओरिजिन पर रखा हुआ है, तो ओरिजिन पर वाई बराबर कितना होगा, 0। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे DX और DZ माइनस जे कैप, और वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0, लिमिटिंग वैल्यू वाई बराबर 0। फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, फिर निकालनी है DS3 की, DS4 की, तो DS3 के पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ DS4, तो DS4 यहाँ लिख लूँ मैं, तो 4 कौन सा वाला है, 4 है ये वाला, ठीक है, 4 जो है, 4 है ये वाला, ये बाहर की तरफ है, तो ये कौन से प्लेन में है, ये प्लेन में है कौन से में, वाई में और एक्स में, तो इसका एरिया क्या बनेगा, DX into DY, और बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, जेड में, जेड मतलब पॉजिटिव के, तो यहाँ पर क्या आएगा, के कैप, और ये इसकी लोकेशन क्या हो गई, यहाँ पर ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, 1 पर है, तो 4 को क्या लिखूँगा मैं, 4 को लिखूँगा DX DY, इसको क्या लिखूँगा DX DY, और डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, के कैप, और जेड जो है, जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ DS3, तो DS3 मैंने किसको लिखा है, S3 इसको लिखा है, तो इसका एरिया भी वही हो जाएगा, कितना, DX और DY, और के कैप किधर की तरफ जाएगा, माइनस में, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी किसकी, जेड की, वो कितनी हो जाएगी, 0। तो अब मैं क्या लिखूँगा इसको, इसको लिखूँगा DX DY, इसको लिखूँगा माइनस के कैप, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब नंबर आ जाता है किसका, 5 का, तो क्या लिखूँगा, DS5, तो DS5 में अगर लिखूँ तो 5 कौन सा हो गया, ये वाला, ये कौन से प्लेन में आ गया, वाई में और जेड में, तो इसको क्या लिखूँगा, DY DZ, ये किस में जाएगा, नेगेटिव एक्स में, तो क्या लिखूँगा, DY DZ किस में जाएगा, नेगेटिव एक्स में, और यहाँ पर एक्स बराबर क्या होगा, 0। इसी तरह से DS6 कितना आ जाएगा, DY DZ, और ये किस में जाएगा, पॉजिटिव एक्स में, और यहाँ पर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एरियाज़ की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमें पता है ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट के केस में हमें ये पता है कि I.I क्या होगा, 1 होगा, और I.J क्या होगा, 0 होगा। I.I जो है वो क्या होगा, 1 होगा, I.J जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब जो वैल्यू जहाँ से हमें मिलेगी वो कहाँ कहाँ से मिलने वाली है, जहाँ I.I हो रहा होगा वहाँ से तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, उसके अलावा I.J, J.K यहाँ पर वैल्यू क्या होने वाली है, 0, क्योंकि क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब 1 by 1 यहाँ पर वैल्यूज़ को अगर रखते हुए चलें, तो सबसे पहले फाई 1 इसके अगर वैल्यू रखें, तो फाई बराबर
या फाई वन मैं लिख लूँ इसको, तो फाई वन जो है वो किसके बराबर है, ई डॉट डी एस वन। तो ई जो है उसकी वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है, एरिया निकाल रहे हैं तो ये डबल इंटीग्रेशन लिख देंगे, जीरो से वन और जीरो से वन लिमिट हो गई, तो कितना है ये है फोर एक्स जेड आई कैप माइनस जे कैप वाई स्क्वायर प्लस के कैप वाई जेड और एस वन का एरिया कितना है डी एक्स डी जेड और जे कैप। तो ये कितना है डी एक्स डी जेड और जे कैप, और ये कहाँ पर है, जहाँ पर y बराबर क्या है वन। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो देखो क्या बनेगा, i और ये क्या है j है, तो i डॉट j क्या देगा जीरो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, j डॉट j क्या देगा वन देगा, j k डॉट j क्या देगा जीरो देगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन में जो आएगी चीज़ वो क्या आएगी, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर डी एक्स और डी जेड, और हमारे पास लिमिट क्या है y बराबर क्या है वन है। तो यहाँ पर y बराबर क्या रख दोगे, वन रख दोगे, y बराबर वन रख दोगे तो क्या बनेगा, माइनस बार आ गया ज़ीरो से वन और फिर ज़ीरो से वन, ये क्या होगा डी एक्स और डी जेड। इसको पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस वन, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आ गई किसकी, फाई वन की। इसी तरह से जब फाई टू की निकालोगे तो फाई टू में देखो क्या है, सेम चीज़ें हैं। फाई टू की अगर बात करो तो फाई टू ये वाला है और ये भी डी एक्स डी जेड है, पर यहाँ पर वाई बराबर क्या है ज़ीरो है। तो जब फाई टू के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ तो एक्सप्रेशन सेम आएगा, यहाँ तक ज़ीरो से वन और ये भी ज़ीरो से वन, और यहाँ पर माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो वो बनेगा वाई स्क्वायर डी एक्स डी जेड, पर यहाँ पर वाई की जो लिमिट है वो ज़ीरो है, तो वाई बराबर जब ज़ीरो यहाँ डालोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, फाई टू की। इसी तरह से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, फाई थ्री की, और किसकी वैल्यू निकालेंगे, फाई फोर की, ठीक है, फाई फोर फाई थ्री। तो यहाँ पर फाई थ्री कौन सा है, फाई थ्री है ये वाला और फाई फोर है ये वाला, ठीक है। तो फाई थ्री की जब वैल्यू निकालो, पहले फाई फोर की निकाल लो, तो फाई फोर कौन सा है, ये वाला, ये एरिया है। तो फाई फोर की जब आप वैल्यू निकालते हो तो यहाँ पर एरिया कौन सा आता है, डी एक्स डी वाई। तो फाई फोर के लिए आप सॉल्व करोगे तो एरिया कौन सा आएगा, डी एक्स डी वाई और के कैप जेड बराबर वन। तो इसके लिए जब आप सॉल्व करोगे तो मैं यही लिख देता हूँ, फाई फोर के लिए, तो फाई फोर के लिए जब आप इक्वेशन बनाओगे तो उसमें क्या लिखोगे, यही इक्वेशन है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई, तो इस इक्वेशन में डी एक्स डी वाई आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके जब लिखोगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, देखो फाई फोर के लिए अगर मैं लिख रहा हूँ तो फाई फोर के लिए लिखा जाएगा डी एक्स डी वाई है, और कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन है हमारी के कैप, तो के कैप वाला कौन सा है, के कैप वाला कौन सा है, ये वाला, तो क्या लिखा जाएगा, वाई जेड। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाई जेड डी एक्स और डी वाई, वाई जेड डी एक्स डी वाई, और जेड बराबर कितना है, वन है। तो यहाँ पर आप जेड बराबर कितना रख दोगे, वन। तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ज़ीरो से वन, ज़ीरो से वन, जेड बराबर वन हो गया है, तो ये क्या बनेगा, वाई डी एक्स और डी वाई। अब x के लिए इसको सॉल्व कर दोगे, x के लिए इसको ऐसे सॉल्व करोगे, 0 से 1 ये डी एक्स हो जाएगा, 0 से 1 ये y डी वाई। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 बाई टू। ये किसकी वैल्यू आ गई, फाई फोर की। इसी तरह से निकालनी है किसकी, फाई थ्री की। अब फाई थ्री के केस में क्या होगा, यहाँ तक वैल्यू सेम आएगी, सिर्फ लग जाएगा माइनस। तो 0 से 1, 0 से 1 लग जाएगा माइनस, तो माइनस वाई डी एक्स और डी वाई रहेगा, और जेड भी रहेगा साथ में, पर यहाँ पर जेड बराबर क्या होगा, जीरो। तो ये पूरी क्या वैल्यू दे देगा, जीरो वैल्यू दे देगा, किसके केस में, फाइव थ्री के केस में। अब कौन कौन से बच गए, फाइव फाइव और फाइव सिक्स। तो फाइव फाइव जब अब निकालोगे, पहले उसके पहले निकालूँ मैं फाइव सिक्स, तो फाइव सिक्स जब अब निकालोगे तो ये जीरो से वन और ज़ीरो से वन। अब जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा डी वाई डी जेड और एक्स बराबर वन। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा फोर एक्स जेड डी वाई और डी जेड, और यहाँ पर हमारे पास x बराबर क्या है, 1 है। x की वैल्यू रख देंगे, z के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर बनेगा 4z स्क्वायर अपॉन 2, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो z बराबर किस पर है, 0 पर है। तो अब हमारे पास जो नेट 5 की वैल्यू आ गई वो कितनी है, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 55 प्लस 5 6, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम रख दें तो माइनस वन प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस वन बाई टू प्लस ज़ीरो
प्लस टू। तो इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी, 3/2। अब आपने ये मेथड देखा तो ये थोड़ा सा क्या था, लेबोरियस मेथड था, यानी कि इसमें आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो चांसेस हैं कि प्लस माइनस की क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए, या जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए। तो इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे किससे, जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसकी उससे सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशियल फॉर्म से कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में हम फार्मूला जानते हैं इसका, वो हमें लिखना है यहाँ पर, है ना। तो डिफरेंशियल फॉर्म के लिए अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, तो डिफरेंशियल फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे, सेकंड हम इसको सॉल्व कर रहे हैं किससे, डिफरेंशियल फॉर्म से, डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है यहाँ, डेल डॉट ई, और ये क्या बनेगा, डी टाउ और क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर होता है किसके, फाई के। तो डेल टाउ जो है वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है तो डेल टाउ कितना होगा, तीन डायरेक्शन का, डी एक्स, डी वाई और डी जेड। तो ये डेल टाउ की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तीन बार इंटीग्रेट करोगे तो कैसे लिखा जाएगा, 1, 2, 3, 0 से 1 लिमिट है, 0 से 1 लिमिट है और 0 से 1 लिमिट है, क्या बनेगा, डेल डॉट ई, ये बन जाएगा डी एक्स, डी वाई और डी जेड, ठीक है। अब वैल्यू चाहिए किसकी, डेल डॉट ई की, तो डेल डॉट ई इसका मतलब क्या हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स ई एक्स, डेल अपॉन डेल वाई ई वाई और डेल अपॉन डेल जेड और ई जेड, ये बन गया। तो डेल अपॉन डेल एक्स ई एक्स जो है वो कितना है, वो है 4xz, डेल अपॉन डेल वाई वो कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, और डेल अपॉन डेल जेड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई जेड। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ बनेगा 4z, यहाँ बनेगा -2y और यहाँ बनेगा प्लस का y, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4z माइनस वाई, ये वैल्यू आ गई डेल डॉट ई की। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो कितना बनेगा, 0 से 1 और ये 0 से 1, डेल डॉट ई की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 4z माइनस वाई और डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब इसको सॉल्व करो, इसको पहले x के लिए सॉल्व कर दो, 0 से 1 डी एक्स, 0 से 1 और 0 से 1 4z माइनस वाई और ये क्या बनेगा, डी वाई और डी जेड। तो डी एक्स वाला तो क्या दे देगा, 1 दे देगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0 से 1 और फिर यहाँ क्या रह जाएगा, 4z माइनस 1/2 और डी जेड, ठीक है। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1/2 और सॉल्व करने पर 3/2। तो इसको हमने दोनों तरीक़ों से करके देखा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो आसान मेथड पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, डिफरेंशियल फॉर्म वाला मेथड पड़ेगा। तो जब भी आपको क्यूबिकल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, क्यूब वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो क्यूब वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप अगर सॉल्व करेंगे किससे, ये डिफरेंशियल फॉर्म से सॉल्व करेंगे, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म से अगर आप सॉल्व करेंगे क्यूब वाले क्वेश्चंस को तो वो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, बजाय किसके, अगर आप उसको इंटीग्रल फॉर्म से करते हैं, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म से करोगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, और क्यूबिकल डिफरेंशियल फॉर्म से करोगे तो बहुत आसान पड़ेगा। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके। सेकंड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो IIT JEE 2021 में पूछा गया था, है ना। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द टोटल चार्ज कंटेंड विद इन द क्यूब एज शोन इन फिगर इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड is given
ई इजक्वल्स टू के फोर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस थ्री वाई जे कैप वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ठीक है। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जैम 2021 में, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शंस क्या क्या थे? जीरो, बी ऑप्शन था 7K एप्सिलॉन नॉट, सी ऑप्शन था 5K एप्सिलॉन नॉट और डी ऑप्शन था क्या 3K एप्सिलॉन नॉट। डायग्राम हमें क्या दिया गया था? डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में हमें कुछ इस तरह का क्यूब की लोकेशन ये थी, ये लोकेशन थी। साइड्स जो थी 1,1,1 थी, जितनी भी साइड्स थी सारी की सारी वो कितनी थी 1,1,1, ठीक है, 1,1,1 ये साइड्स थी हमारे पास। ये यहाँ पर था 1,0,0, ये था कितना, ये था 0,0,0, ये कितना है 0,1,0 और ये कितना है 0,0,1, ठीक है। तो ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स और ये हो गया जेड। तो ये हमें यहाँ पर साइड्स दी हुई हैं। देखो जैसा कि मैंने कहा, इसको कर तो तुम दोनों तरीके से सकते हो, इसको इंटीग्रल फॉर्म से भी कर सकते हो और इसको डिफरेंशियल फॉर्म से भी कर सकते हो। फिर हमने ये भी देखा कि जो इंटीग्रल फॉर्म है अगर उससे इसको करने जाते हैं तो ये सवाल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, हो तो जाएगा पर हमारे पास और भी क्वेश्चंस रहते हैं करने को। तो हमें वो मेथड ढूंढना है जिससे हमारा आंसर भी आ जाए और काम भी कम समय में हो, कम टाइम में हो। तो उसके लिए हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड? डिफरेंशियल फॉर्म वाला। तो डिफरेंशियल फॉर्म के अकॉर्डिंग वी यहाँ क्या हो गया, डेल्टा ई डेल्टा ऊ इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिख दिया मैंने 0 से 1 और 0 से 1। यहाँ क्या हो जाएगा ई एक्स ई वाई ई जेड, तो डेल अपॉन डेल एक्स ई एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ई वाई डेल अपॉन डेल जेड ई जेड। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं यहाँ बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको पता पड़ जाए कि यहाँ पे आना क्या क्या है, याद हो जाए। अगर आपको प्रैक्टिस में है तो आप डायरेक्ट इसका जो डिफरेंशिएशन करके वो डायरेक्ट लिख सकते हो, ये स्टेप लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से सॉल्व करके मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ क्या बनेगी, सॉल्व करके 0 से 1 और 0 से 1। तो ई एक्स की वैल्यू, ई वाई और जेड तो है ही नहीं इसमें, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8xk, के क्या है कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, और 3k, और क्या बनेगा डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये बनेगा। जेड के लिए इसको अलग से सॉल्व कर लो डी जेड, और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 0 से 1 और ये भी 0 से 1, और 8kx प्लस 3k और ये हो गया dx और dy। तो z वाला तो 1 दे देगा, y के लिए फिर से सॉल्व कर लो, तो 0 से 1 dy, इसको अलग से सॉल्व करो 0 से 1, ये हो जाएगा 8kx प्लस 3k और ये हो जाएगा dx। तो इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से ये dx के लिए सिंप्लीफाई कर दोगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 7k, और ये 7k बराबर होगा किसके, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सॉल्व करने पर q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7k एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 7k एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन है कौन सा, बी। तो बी ऑप्शन जो है इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इसको डिफरेंशियल फॉर्म से सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये पूछा गया है जेस्ट के एग्ज़ाम में, और जेस्ट के एग्ज़ाम में कब पूछा गया, ये 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, क्यूबिकल वाला ही है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्यूबिकल पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर पूछते हैं, कभी चार्ज पूछ लिया कभी फ्लक्स पूछ लेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू के अंडर रूट एक्स और ये है एक्स कैप, एक्स कैप मतलब आई कैप, वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट, के इज नॉन जीरो कांस्टेंट, के जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब, बाय द क्यूब एज शोन बिलो, एज शोन बिलो इज, वही क्वेश्चन है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पर जो है क्यूब वो कुछ इस तरह से दिया है, क्वेश्चन लगभग वही है, लगभग वही क्या वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्यूब है उसको ऐसे दे दिया, ये डायग्राम थोड़े से ऐसे ही बन रहे हैं भाई, है ना। तो डायग्राम को ज़्यादा दिल पे मत लेना, मेथड जो है उन पे ध्यान देना। तो ये y है, ये z है और ये x है, साइड्स हैं l, l और l, ठीक है। ये साइड्स हो गई, यहाँ पर ये साइड्स हो गई। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन a है 0, ऑप्शन b जो है वो क्या है k epsilon naught l पावर 5/2 और अंडर रूट 3-1। सी ऑप्शन जो है वो क्या है, के एप्सिलॉन नॉट एल पावर 5/2 अंडर रूट 5-1। और ऑप्शन डी जो है वो क्या है, के एप्सिलॉन नॉट एल पावर 5/2 और अंडर रूट 2-1। ये है, सबसे पहले तो पहचानना है यूनिफॉर्म फील्ड है नहीं है, तो यूनिफॉर्म तो नहीं है, क्यों, क्योंकि डिपेंड कर रहा है। तो ये कौन सा फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पर भी फील्ड जो था वो कौन सा था, नॉन यूनिफॉर्म था। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें सब में कौन से फील्ड आए हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आए हैं, ठीक है। सभी के अंदर जो फील्ड आए हैं वो कौन से आए हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आए हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमारे पास दो मेथड, एक है कौन सा इंटीग्रल फॉर्म और एक है कौन सा डिफरेंशियल फॉर्म। तो हमारे लिए यूज़फुल कौन सा, इंटीग्रल फॉर्म या डिफरेंशियल, डिफरेंशियल फॉर्म हमारे लिए यूज़फुल होगा क्योंकि छोटा होगा। तो डिफरेंशियल फॉर्म डायरेक्टली लगा देते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंशियल फॉर्म का अगर मैं यूज़ करूँ तो 3 बार इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले एक्स की लिमिट, एक्स अब यहाँ से चालू और यहाँ ख़त्म है, तो यहाँ तक एक्स कितना है एल है और यहाँ तक एक्स कितना है 2l है, यानी कि एक्स की लिमिट एल से 2l। उसके अलावा y और z जो भी हैं वो कहाँ से 0 से l और ये भी कहाँ से कहाँ तक है 0 से l। देखो z कहाँ से 0 से और l तक है, ये l है यहाँ पर, और y कहाँ से कहाँ तक है 0 से l, जबकि x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है l से 2l तक है, ठीक है। और उसके बाद डेल अपॉन डेल x ई एक्स, डेल अपॉन डेल y ई वाई, डेल अपॉन डेल z ई जेड, और डेल टाउ को मैंने लिख दिया डेल एक्स डेल वाई डेल और डी जेड, और इसको बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने वो वापस से फार्मूला नहीं लिखा है क्योंकि अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। वाई जेड यहाँ पर है नहीं, तो वाई जेड वाला तो काम हो गया ख़त्म, तो वाई जेड वाला काम ख़त्म हो गया, तो आगे फर्दर सॉल्व करो। तो ज़ीरो से सॉरी एल से 2l और 0 से l और ये भी 0 से l। फिर इसके बाद k अपॉन 2 अंडर रूट x, उसका हमने जब डिफरेंशिएशन किया जो हमें दिया हुआ है e की वैल्यू, यहाँ पर क्या आ गया dx dy और dz और ये q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। dy और dz के लिए सॉल्व कर देंगे तो बाहर आ जाएगा हमारे पास l स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा k बाय 2 l स्क्वायर बाहर आ गया। सॉल्व कर लेते हैं किसके लिए, l से 2l के लिए, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट x को सॉल्व कर लेते हैं dx और ये क्या हो गया q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ तुम्हारे पास बनेगा एल स्क्वायर के बाय 2, यहाँ आएगा अंडर रूट एक्स अपॉन 1/2 और लिमिट लगाओगे एल से 2l तक और ये बनेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा के एल स्क्वायर रूट 2l माइनस रूट एल, दो से दो कटेगा यहाँ पर, और ये बनेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन है। इसको जब सॉल्व कर लोगे पूरा तो यहाँ से q की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आएगी k एप्सिलॉन नॉट l पावर 5/2 और अंडर रूट 2-1।
तो ये जो ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा हमारे पास ये डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था जस्ट 2017 में। तो आपने देखा जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, लगभग जो क्वेश्चंस थे वो सेम थे, और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्यूब वाले। कभी इनमें पूछ लिया जाता है फ्लक्स बताओ, कभी पूछ लिया जाता है चार्ज बताओ। आपको करना क्या, ध्यान क्या रखना है? सबसे पहली बात तो क्यूब वाले जो क्वेश्चन है आपके लिए आसान पड़ेंगे। किससे? जब आप यूज़ करोगे डिफरेंशियल मेथड, क्योंकि आप देख रहे थे कि इंटीग्रल मेथड जब आप यूज़ करते हो तो क्वेश्चन जो है बड़ा हो जाता है ना, टाइम बहुत लग जाता है और बहुत सारे एक्सप्रेशन हो जाते हैं, तो गड़बड़ होने के चांसेस बन जाते हैं पूरे पूरे। डिफरेंशियल मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो डिफरेंशियल जब आप करेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो बनेगा उसमें आपके गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे, तो वो गड़बड़ ना हो, क्योंकि दो बार इंटीग्रेशन करना, तीन बार इंटीग्रेशन होगा तो वहाँ गड़बड़ के चांस थोड़े से बनते हैं, पर इतना ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते। दूसरा, जब आप लिमिट्स निकालेंगे तो लिमिट्स निकालने में गलती हो सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो जो हैं वो क्वेश्चंस हो गए हमारे, किसके, जो हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में गाउस लॉ के अलग अलग जो फॉर्म हमने पढ़े थे उसके ऊपर। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, उसको चाहे आप नोट डाल के लिख लो, कि यदि कोई क्लोज सरफेस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज क्रॉस करेगा उस क्लोज सरफेस को, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? ज़ीरो। इसको आप याद ही कर लेना या अपने दिमाग में बिठा ही लेना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई क्लोज सरफेस लगी है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो, ठीक है। इफ़ एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस इज़ प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड then the electric flux crossing through that closed surface is zero। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से जा रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। कैसे होगा ये देखो भाई, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब क्या है कि हमारे पास मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन के पॉइंट हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि ई ए बराबर ई बी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैं अगर लिख दूँ ई नॉट और इसको लिखूँ मैं आई कैप प्लस वाई कैप जे कैप प्लस के कैप, ऐसे लिख दूँ, तो ये कौन सा फील्ड हुआ? यूनिफॉर्म हुआ, क्योंकि ये पोजीशन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना। तो ये कौन सा हो गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब मैं डेल डॉट ई निकालूंगा, डेल डॉट ई का मतलब डेल अपॉन डेल एक्स ई एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ई वाई और डेल अपॉन डेल जेड ई जेड, तो ये कितना आ जाएगा? जीरो। तो ये जीरो आ जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन वाला, यानी कि जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है डेल डॉट ई डी टाउ, तो ये वैल्यू क्या देगा? जीरो। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो इसको आप याद ही कर ले तो ज़्यादा बेटर है, कि यदि कोई जो क्लोज लूप है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो ये तो बात हो गई कि जो गाउस लॉ है वो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था गाउस लॉ क्या होता है, उसके अलावा कुछ एक क्वेश्चंस पहले लेक्चर में भी देखे थे, और फिर एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज के लेक्चर में हमने देखे हैं। इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये लेक्चर हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, कॉन्टेंट आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स से, अपने कॉलिग्स से, अपने जो जूनियर्स हैं सीनियर्स हैं सभी के बीच में चैनल को शेयर कीजिए, जिसके साथ जिससे उन आप लोगों के साथ साथ वो लोग भी बेनिफिट ले सकें इस चैनल का, हमारे कंटेंट का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।